आज हम हिस्ट्री बनाएंगे पूरे गेम में सबसे ज्यादा गाड़ियां हम बेचने का। ओके, दोनों दोनों कोने में खड़े होकर कौन सी गाड़ी देख रहे हो तुम लोग? मैं ही खरीदूंगा पूरे चार गाड़ियां, आप खुद खरीदेंगे। मैं चार गाड़ियां खरीदूंगा, मैं हाईएस्ट बिडी लगाता हूँ। अरे मेरे पैसे बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं गाइस, बहुत बहुत लॉस हो रहा हूँ मैं, बहुत लॉस हो रहा हूँ मैं। ओह आई ब्रॉट ऑल द 10 कार्स, 15,000, चल भाग तेरी माँ का। सो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आज हम खेलने वाले कार फॉर सिमुलेटर फिर से। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा हमारे पास लगी थी एक अमीरों की स्कीम। मतलब पता है ना, हम जो अमीरों की स्कीम जो होती है 15 दिन में पैसा डबल, वैसे हमने 10-10 सेकंड में पैसा अपना डबल कर लिया था। तो आज मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ अपने गेम में, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पहले मैं अपना करंट स्टेटस, मेरा बैंक बैलेंस वगैरह दिखाऊँ मैंने क्या किया है। अब मैं उसको पहले आपको दिखा देता हूँ, नहीं उसके पहले मैं बता देता हूँ, पहले बाद में दिखाता हूँ, पहले सुन लो। मैंने ना पूरा एक नया सा नया प्लॉट खरीदा है। नया प्लॉट मतलब अपनी जो गैरेज थी उसको मैंने थोड़ा सा पीछे ढकल के सामने सारी ज़मीन मैंने खरीद ली, क्योंकि मुझे बहुत सारे गाड़ियाँ खरीदनी थी। मैंने इसमें बहुत सारे गाड़ियाँ खरीद कर रखी है। मैं कुछ देर के लिए ऑफलाइन में खेल रहा था गेम, तो मैं आपको गेम मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप देख ले वो तो पता चल जाएगा। फिर मेरे पास ना समय अराउंड 10 लाख या 11 लाख के करीब मेरे पास डॉलर्स बचे हैं अभी फिर से, और मेरे पास 3-4 का 5-6 गाड़ियाँ अभी सेल पर लगानी भी है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया है। ओ देखो गाइस, अपना प्यारा सा एक नया सा गैरेज का नया प्लॉट। ये हमेशा मुझे गेम के बीच में मैसेजेस क्यों करते हैं यार। चलो फिर ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये अबे कूड़ा, मतलब देखो यार इतना महंगा मैंने प्लॉट खरीदा फिर भी ये कूड़ा इधर से जा नहीं रहा। ये शायद पता नहीं ऑटोमेटिकली कौन ला के इधर फेंक के जाता है। ठीक है चलो, देखो मैंने पिछले वीडियो में हमने बोला था कि मैं अपने लिए कार खरीदने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपने लिए या तो मैं ये रख लूँ, इसको थोड़ा रिपेयर वगैरह करा, क्योंकि ये ऑडी टी टी है, काफ़ी मस्त सी गाड़ी है। पहले मैं ऑफिस खोल देता हूँ फिर से। देखो फिर ये है लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट कुछ भी बोलते हैं। ये मैंने खरीदा था ऑफलाइन मार्केट में, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने ये कल रात पूरी रात खेला था गेम में, मतलब ज़्यादा खेला था वो। फिर ये रही अपने पास टेस्ला। देखो गाइस टेस्ला, देखो टेस्ला। फिर मैंने ये सारे टोइंग हुक मैंने अनलॉक करके रख दिया है। फिर ये रही अपनी ह्यूंडई की सैंटा फी। फिर ये है अपनी, ये गाड़ी का नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि पुरानी, मैंने कल देखा था ना बाबर आजम जमाने की गाड़ी कुछ थी। मैंने सोचा एक इसका एक कलेक्शन एक रखते हैं कार का, मैं इसको शायद इसको टो के लिए भेज दिया था, इधर पार्किंग में भेजा हूँ इसको। हाँ इसे हमें नीचे लाना है। ठीक है चलो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही अपनी BMW, जो है BMW अपनी, इसका डिटेल्स मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, डिटेल्स इधर से नहीं आ रहा। फिर ही अपनी लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट। अभी हम क्या करेंगे, कुछ गाड़ियों पे सेल पे लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले जो मैं गाड़ी सेल पे लगाता हूँ, ये गाड़ी पूरी कंडीशन तो ठीक ठाक है इसकी, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेल पे लगाता हूँ। तो क्विकली हम चलते हैं अपना आईपैड लेने। अगर कुछ लोगों को नहीं पता, हमने आईपैड लिया था कल। फिर मेरे पास अभी इतने सारे गाड़ियाँ पड़ी है, मैं NG6 पता नहीं यार कौन सी गाड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब गाड़ी कौन सी है, मैं कौन सी सेल पे लगाऊँ। मतलब इतने सारे गाड़ी मैंने खरीद के रख दिया है ना, तो समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी सेल पे लगाऊँ। तो चलो अभी हम पहले इतना BMW को सेल पे लगाते हैं। देखो पहले नॉट इन ऑफिस, नॉट इन ऑफिस इसकी इसको छोड़ो यार, नीचे आना भाई नीचे। ये क्यों नीचे नहीं आ रहा इसको? अच्छा इसको ऐसे रखते हैं। ओ समझ गया मैं, समझ गया मैं। ऑडी टी टी तो मैं सोच रहा हूँ अपने लिए रख लूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अपने लिए रखते हैं। फिर लैम्बोर्गिनी को मैं थोड़ा सा रिपेयर करा के उसको मस्त करा के बेचते हैं। ये BMW कूपे को मैं सेल पे लगाता हूँ अभी। मैंने देखो 77 पे लिया था, फिर उसको मैंने थोड़ा सा रिपेयर कराया, 66,000 पड़ी है। इसको हम बेचेंगे समवेयर अराउंड 77 + 66 यानी कि 85 हो गए, तो हम बेचते हैं इसको 95,000 डॉलर्स पे बेचते हैं। शायद बिक जानी चाहिए, मतलब क्योंकि ये गाड़ी है प्रीमियम वाली। अभी हम फिलहाल एक ही गाड़ी सेल पे लगा, क्योंकि ये गाड़ी का नाम ही नहीं पता चल रहा मुझे। मैं एक बार बैठ कर इसको टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, फिर देखता हूँ। फिर मैं इधर क्या करता हूँ ना, पुराने बाबर आजम के ज़माने की जो गाड़ी है इसको हम थोड़ा सा रिनोवेट करेंगे। एंटर शायद उधर से होगा मुझे। तो बाकी मुझे बता रहा है गाइस कमेंट्स में कैसा लग रहा है अपना गैरेज। एक एक दो कस्टमर भी आ गया आपके पास, जब बहुत सारी गाड़ियाँ होते हैं ना कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं। देखो तो इतना लंबा आपने खरीद लिया प्लॉट, तो चलो इसे जाके हम बात करते हैं क्या कैसे लेगी ये। हाँ जी आंटी बताइए, आप हमारे नए कस्टमर हो, फील तो 100% डाल के रखा है मैं, तो कुछ भी दे दो। वेल टेक अ सेम प्राइस, मतलब यार क्या क्या मतलब सेम प्राइस पे ले रही है, मैं सेल कर देता हूँ इसको। चलो हम बहुत सारे गाड़ियाँ खरीदेंगे आज। उससे पहले ना मैं क्या करता हूँ, इस गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर के लिए भेजते हैं। ये गाड़ी रिपेयर मतलब इसको थोड़ा सा पॉलिशिंग पेंटिंग वगैरह करते हैं, बस मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये समझ ही नहीं आ रहा। हाँ चलो हमने गाड़ी आगे, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, मैंने वॉल्यूम नहीं बढ़ा था। ठीक है, अभी मैंने कोई भी सेल पे नहीं डाला गाड़ी। हाँ इसकी थोड़ा डर भी ज़्यादा है।
और पता है गाइस, मैंने कल इसमें ना बहुत सारे चेंजेस भी किए, मैंने सारे स्किल पॉइंट्स अपने अनलॉक कर लिए। कौन सा कलर मारे इस पे पुराने गाड़ी पे, आप बताओ मुझे। ब्लू अच्छा रहेगा, ग्रीन अच्छा रहेगा क्या? देख रहे हो भाई की ड्राइविंग, देख रहे हो कल इतना सारा मैंने गेम खेल लिया, आप मुझे ड्राइविंग मतलब मैं कैसे चलाऊँ, गाड़ी में अच्छा चला रहा हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, थैंक गॉड। थोड़ा सा ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी का मतलब काफ़ी काम दे देता है ओवर कॉन्फिडेंस। अभी मैं निकलता हूँ, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो वॉशिंग गन पे पास आया, अभी आप देख सकते हो इधर बहुत सारा डर्ट पड़ा है, तो मैं ऐसा वॉश कर सकता हूँ मस्त से। देखा, देखो देखो, तो मैंने वॉश कर दिया, मतलब पेट्रोल पंप तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है यार इसको। ये अनलॉक करके ना मैं बहुत अच्छा काम कर लिया, मैं सोच रहा था पहले ही अनलॉक कर दूँ मैं। देखो अपनी गाड़ी पूरी ना मस्त से चमक रही है, ऐसे में सारे गाड़ियों को अभी धो देता हूँ क्योंकि ये गाड़ी भी थोड़ा सा चमक कर रही है, चमकनी चाहिए, काफ़ी डर्टी गाड़ी है। मतलब जब ये इसको ना मैंने उधर से ख़रीदा था, जो हम खरीदते ना मार्केट वहीं से ख़रीदता था मैं, ये वाइट नहीं बेचूंगा मैं इसको, ज़रूर उसको थोड़ा सा पेंटिंग वेंटिंग करके बेचते हैं। आज हम पूरे गाड़ियों को धोएंगे पहले, हाँ धोने के बाद मैं काम करता हूँ, पहले इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज हम, क्योंकि अपने पास तो पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन जाएँ, राइट। उसकी गाड़ी का मुझे कलर नहीं पता, तो ऑडी टीटी तो ठीक है, टेस्ला तो ठीक है, ऑडी इसको है एनजी 5C, अच्छा ये है इसका बकरी चक, ठीक है। मैं इसको ना सेल पे लगाता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ 1 मिलियन पे, मतलब 100,000 पे लगाते हैं, 1 मिलियन नहीं 100,000 पे, पुट इट ऑन सेल। आई होप सो बिक जानी चाहिए, क्योंकि अपने पास ना काफ़ी मस्त सी बड़ी है, मतलब डीलरशिप बड़ी हो गई है अपनी। बाकी गाइस आप कमेंट कर दो क्या मैं इसका नाम चेंज करके कुछ नया बड़ा सा नाम रख दूँ, जैसे कि BBT हो गया ऐसा कुछ, बट नाम कॉपी ना हो जाए फिर। बाकी का मुझे आप बताओ गाइस हम क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं पेंट भी अपने खुद से कर लूँ, हो जाना चाहिए पेंट भी अपने खुद से, बट यू हैव अनलॉक स्किल पॉइंट। ठीक है चलो, अपनी गाड़ियाँ हम धुल चुकी हैं, मैं इसको भी धो देता हूँ, अपने टेस्ला में इधर ला के खड़ा किया था। बाकी टेस्ला बहुत ही मतलब ये हो चुकी है गाइस, मतलब बहुत ही गंदी हो चुकी है टेस्ला। देखो देखो जैसे मैं धो रहा हूँ कितना क्लीन हो रहा है, राइट, कितना क्लीन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं रिपेंट कर रहा हूँ, ऐसा क्लीन हो रहा है। बाकी हम अभी टेस्ला लेके चलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं अपने जो कार डीलरशिप है वहाँ, कुछ खुला है या नहीं। बाकी मैं इसको सोच रहा हूँ इसको भी कलर करके बेचूँ, बट मैंने फिर भी सोचा कि टेस्ला तो मतलब कार ऐसी है उसको हम वाइट कलर में ज़्यादा बिकती है कार, या हम इसको रेड बना के बेच सकते हैं। मैं क्या रेड बना के बेचता हूँ, उतना पूरा वाइट एंड ब्लैक ही हो गया थी। कार ऑन कर लो, देखो इस कार में ना साउंड नहीं आता, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक वाली फीलिंग देती है, देखो कुछ भी साउंड नहीं है, बट स्पीड तो अच्छी खासी है यार, स्पीड तो मतलब काफ़ी अच्छी है। देखो 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 देर से जा रही है, डिफ भी मार लेती है ठीक ठाक। चलते हैं अभी नेबरहुड देखते हैं, या कुछ सस्ती वस्ती गाड़ी हो तो हमें खरीद के लाते हैं। अभी मैं क्या करूँ ना, पूरे महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ मैं, वो तो अपना बाहर था। तो अगर आपको पता नहीं है मैंने इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए गेम में, आप ज़रूर जाके देख सकते हो अपना पुराना वीडियो, मतलब अपने पास ना अमीरों की स्कीम लग चुकी थी। बाकी का गाड़ी देखो यार क्या कुछ, अरे मैंने मीटर देखते देखते गाड़ी को देखना भूल गया, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाड़ी है, पूरी प्रॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है रात बज चुकी है, शायद 8 बज चुकी है, इसलिए रात बज चुकी है। अभी मुझे कहाँ जाना था, सुबह सवेरे नया दिन नया, ऑफिस इज क्लोज कार मार्केट इज ओपन। ठीक है आज कार मार्केट चलेंगे, पहले मैं ऑफिस जाता हूँ, कुछ 2-3-4 गाड़ियाँ मैं सेल पे लगाता हूँ, फिर कार मार्केट जाके नई गाड़ी। ओपे इतना सारा कूड़ा यार, मैं कितनी बार इनको बोल रहा था कूड़ा मत फेंको, शिट क्या यार ये भी कूड़ा मत फेंको। ठीक है उसका छोड़ो, मैं अभी गाड़ी को ना सेल पे लगाता हूँ इधर से डायरेक्टली। और पिछले वीडियो में आपने देखा था हमने ना फोटो खींची सेल पे लगाई थी, वो भी मैं कर सकता हूँ अभी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। मैं 36 पे लिया था, 2000 मैंने डाला था, तो पूरा 38 हो गया, मैं इसको बेचता हूँ 45 पे, क्योंकि अपनी बड़ी बड़ी मतलब 47 पे बेचता हूँ मैं, कोई आ रहा है उधर 47 पे बेचते हैं, आई डोंट नो बिकी गया नहीं, बट बिक जानी चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी गाड़ी ली है। आंटी जल्दी बताओ मुझे कार मार्केट में जाना है, जल्दी बताओ। $88 मैंने कितने पे लिया था, बार्गेन करता हूँ मैं, अगर 90 भी दे देगी तो ठीक रखता है, 90 दे दे आंटी, आंटी 90 दे दे। ओ ओ ओ 90 को बिक गई गाइस, 90 को बिक गई। अभी मैं चलता हूँ सीधा अपने कार मार्केट। देखो मैंने ना अपने लिए गाड़ी खरीदी है, मैं इसको भी सेल पे लगा देता हूँ, इसको भी सेल पे लगाता हूँ, वाइट कलर में बिकने दो इन गाड़ियों को, फिर हम जाके बाद में पेंट करा लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ इतने अर्जेंट अर्जेंट में, ठीक है मैं इसको भी सेल पे लगा देता हूँ।
ऑडी मैं उसको रख रहा हूँ, ये BMW सेल पे है, लैम्बोर्गिनी मैं नहीं लगाऊंगा। ऑडी TT अपनी है, ऑडी S4 को मैं सेल पे लगाता हूँ, और जो उधर बाजू खड़ी है वो ऑडी S4 को मैं लगाता हूँ समय अराउंड 22,000 पे, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ये नहीं थी। फिर NZ5 जो भी मेरे सामने खड़ी है उसको मैं लगाता हूँ 44,000, मतलब चलो मैं इसको पूरा ना 55,000 पे लगा देता हूँ। अगर बिकेगी तो बिक जाएगी, वरना मैं नेगोशिएशन करके बेच देंगे। अपने पास तो पैसा तो बहुत पड़ा, पैसा देखो इतना पैसा पड़ा है अपने पास ऑडी लेने के लिए, कोई आंटी आ गई। अरे यार मैं ना क्या सोच रहा हूँ, एक बंदे को हायर करते हैं, एक बंदे को हायर करके यहाँ पे सेलिंग के लिए एक बंदे को रखते हैं, फिर माल लाने के लिए एक बंदा मैं होता हूँ। अरे ये तो बोल रही है आई विल टेक इट फॉर द प्राइस, 47 के लिए बाई करने वाली है ये। हाँ ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जाओ, ये अपनी गाड़ी है। आज मैं क्या करता हूँ ना, लैम्बोर्गिनी लेके हम इसके पास चलते हैं, कार मार्केट के पास, वहाँ से मैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे डिलीवर करता हूँ, लैम्बोर्गिनी लेके हम। देखा गाइस इसका वॉइस, देखो ये मैं गेम वाला तो बोल रहा था। काफी खतरनाक बात है, लैम्बोर्गिनी की पुरानी गाड़ी है, कार मार्केट नहीं चलता। ठीक है मैं कार मार्केट चलते हैं ना, मैं वही बस सोच रहा था कार मार्केट चलते हैं अभी। कार मार्केट चल के अपने पास गाड़ियां भी खत्म हो रही है, तो जाके हम कुछ गाड़ियां खरीदेंगे उधर। ठुकी ठुकी, पता था मुझे मार देगी मार देगी। बाकी ये गाड़ी मैं यहीं से लिया था, तो उतरता हूँ मैं, बाकी का फ्यूल सभी मैं फुल करा के रखा हूँ। देखते हैं गाड़ी इधर कौन सी आई, कुछ अच्छी महंगी वाली गाड़ी दिखाओ, इतने दिन से मैं सस्ती गाड़ी पूछ रहा था ना, आज महंगी वाली दिखाओ। ये काफ़ी मस्त स्पोर्ट्स कार, मैं पोर्शे ले जाऊँ। ये अपनी वही लैम्बोर्गिनी जो खड़ी है इधर, ये मर्सिडीज़ की है, मैं इसको पूछता हूँ कस्टमर इज इन ऑफिस, जल्दी बता भाई मर्सिडीज़ कूपे 64 बोल रहा ना तू। ठीक है मैं बार्गेन करता हूँ गाइस, अपने पास जितने भी पैसे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बार्गेन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम इंडियंस है गाइस। इंडियंस का असली मसला है बार्गेन करना। मैं इसको 60,000 पर पूछता हूँ, $4,000 कम कर देगा क्या, $4,000 कम करेगा, जल्दी बता। ओह बिक गई बिक गई बिक गई बिक गई बिक गई बिक गई। इसको मैं ना डायरेक्ट टोकर आके उधर भेजता हूँ ऑफिस, फिर ये मैं लेके जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को मैं अपने पास रखूँ, ऑडी TT को बेच के, क्योंकि ये 1975 की थोड़ी सी रेयर गाड़ी। ओह 1 लाख बोल रहा है गाइस, महंगी बहुत महंगी गाड़ी, मैं इसको बार्गिन करता हूँ। हाँ 1,60, 1,60,000 पे लेते हैं, 1,60 16,000 हो गया, 1,60,000 हो गया। ठीक है ऑफर करता हूँ इससे, ओ बिक गई, मतलब सबसे महंगी गाड़ी थी अपनी ये। इसको भी मैं ना वहाँ पे बेचते हैं, बेच देते हैं इसको, कार पे एंटर नहीं करना, कार पे जाके टोकर आके बेचते हैं। तो ये रही अपनी एस क्लास, मर्सिडीज बेंज की एस क्लास है, तो एस क्लास मतलब बहुत ही, अरे नहीं ये कुछ R7 रॉन्ग ही R7 दिखा रहा है, 37 पे दिखा रहा है ये। मैं इसको ना बार्गेन करके 35 पे पूछता हूँ, अगर ये 34 पे पूछता हूँ, अगर ये दे देगा तो ले लेंगे, वरना सीधा ऑफिस चलेंगे, क्योंकि कस्टमर जब अभी ऑफिस में। मैं ना ये गाड़ी को सेल कर देता हूँ, एक्चुअली ये गाड़ी इतनी मुझे पसंद नहीं आई, मतलब है ठीक ठाक है, मतलब मैं सेल कर देता हूँ, अच्छे पैसों में बिकेगी ये गाड़ी। देखो देखो देखो, बहुत सारे कस्टमर्स हैं यार, सीरियसली बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। हाँ जी आंटी बताओ आप कितने में ले रहे हो, और मैं ऑडी 22 पे डाला हूँ, 18 नहीं मैं सेल नहीं करने वाला। अभी हम कस्टमर्स को ना ऐसे मुंह पे बोल देंगे मैं सेल नहीं करने वाला, मैं सेल नहीं करने वाला, 22 पूछा है ना, आई बाय फॉर द सेम प्राइस, जा लेके जा तू, लेके जा लेके जा लेके जा लेके जा, हमारे पास मतलब बहुत सारे पैसे हैं, हम नहीं सुधरेंगे इसके पास। 19,000 पूछ रहे ना, नहीं सेल नहीं करने वाला हूँ मैं, बहुत सारे बायर्स हैं अपने पास। और तू बता भाई, मैं ना एक काम करता हूँ, सारे गाड़ी खरीद के ना फुल गैरेज भर देते हैं, अभी देखते हैं, फिर बैठ के हम सेल करेंगे बस। नहीं सेल नहीं करने वाला, 18,000 रुपये, 22,000 डाला हूँ मैं, और इतना ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं चलेगा ब्रो, आई एम थिंकिंग। ठीक है जल्दी सोचो जल्दी सोचो, 15, भाई तेरी सूरत देखा गया, 15,000 तुझे कुछ नहीं मिलेगा इधर, लास्ट में नहीं बेचने वाला हूँ मैं। अल्टे के मोमेंट, 18,000, नहीं गाइस
मुझे ना मन नहीं करा बेचने को इसको, ठीक है छोड़ो हम सेल नहीं करेंगे इसको, बाकी गाड़ियां भी लाके हम ना लगाते हैं इधर सेल पे, क्योंकि तो पास बहुत सारे गाड़ियां पड़ी है का इसको ना और थोड़ा बाजू में लगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, उधर कस्टमर आया है, फिर कस्टमर को बात करता हूँ। मुझे ना पहले ना सेल से हटानी पड़ेगी गाड़ियाँ, वरना बहुत सारे लोग आते रहेंगे पूछते रहेंगे है ब्रो और इट्स बेली डैमेज टू टेक ए मिनट। 19,000 तो अच्छा दे रहा है, तू एक मिनट रुक जा, मैं इसको ना बाकी बाजू एक कस्टमर उसको पूछूँ। 3-4 लोग, अरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं गाइस, जब आपके पास ना बड़ा सा गैरेज हो ना तो काफ़ी लोग आते हैं आपके पास, सीरियसली। 22 19.44, ठीक है रुको एक मिनट, तुम बताओ भाई बिजनेस मैन लग रहे हो, कुछ तो दे दो 15,000। चल भाग तेरी माँ का, इसकी को इसी को दे देता हूँ मैं, ये अच्छा प्राइस दिया मुझे, ये अच्छा प्राइस दिया अंकल, तू लेके जा तू लेके जा तू लेके जा तू लेके जा 97.44 ना, ठीक है सर तू लेके जा। मैंने इस गाड़ी के पास ना इसका डैमेज रिपेयर ज़्यादा है, तो मैं इसको रिपेयर के लिए भेज देता हूँ शायद, क्योंकि रिपेयर के बाद भी ज़्यादा कुछ देखी। अभी गाइस हम ना गाड़ियों को सेल नहीं करेंगे, गाड़ी को सिर्फ रिपेयर्स करेंगे, फिर आके हम गैरेज में खड़ाएंगे, क्योंकि अपना जो प्रॉफिट है काफ़ी स्पीड जा रही थी गाड़ी, इसको ना हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। उधर एक कूड़ा उठाते हैं पहले यहाँ से गाइस, क्योंकि ये अपने गैरेज के पास ना कूड़ा ठीक नहीं लगता। कूड़ा बहुत कूड़ा हो गया है ऑफिस में ना, सच में बहुत कूड़ा हो गया है, हम इधर ही फेंक देते हैं इसको। तो ऑल राइट हमने कूड़े को हटा दिया, फिर हम ये चला रहे हैं अपनी ये मस्त सी गाड़ी, मतलब प्रीमियम सी है ये गाड़ी, मस्त दिखेगी मुझे पल्ला, मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है कि ये गाड़ी ज़्यादा हमें फायदा बना के देगी। आपके पास तो इतने सारे पैसा चुके, मैं पैसा की बात होती सर कर ही नहीं रहा होगा, इसलिए हर गाड़ी इतनी मस्त से दिख रही है। दो बजने वाले हैं जल्दी, मुझे कार मार्केट भी जाना, वरना बंद हो जाएगा। ठीक है चलो अब हम कार मार्केट चलते हैं अपनी गाड़ी लेके। चलो अभी हम सीधा कार मार्केट चलते हैं, क्योंकि अपना कार का ये ना शुरू हो चुका है, वही क्लासिक गाड़ियों की मुझे पता नहीं चलता है कितने में बिक रही है। क्लासिक गाड़ियाँ बहुत बिकती हैं यार, मुझे समझ गया था क्लासिक गाड़ी पे मैं कैसे बिट लगाऊँ, मतलब जब वो 67 जा रहा है खुद ही, मैं 71 करता हूँ। पता था हमें मिलेगी गाड़ी, पता था चार गाड़ियाँ खरीद के जाऊँगा आज, मैं सारे चार गाड़ियाँ खरीदूंगा आज। फोर्ड मस्टैंग खरीदेंगे, 26 पे बिट लग रही है, पकौड़ी डालते हैं तो और बिट उठा लिया। हाँ नहीं इतने पे नहीं बिकेंगे, मैं एकदम ना 2,000 डालता हूँ, देखिए कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। अब ओ ले लिया गाइस, ले लिया कोई और मेरे से ज़्यादा बिट लगा दिया, मैं और ज़्यादा लगाता हूँ, अब नहीं लगा कोई नहीं लेगा। अभी ले लिया कौन की मस्टैंग को, क्या लोग खरीद रहे हैं भाई। चलो मैंने ना बहुत पैसे कम हो रहे हैं, फिर भी मैं सोच नहीं रहा हूँ चार गाड़ियाँ हम खरीदेंगे, क्योंकि इसको मैं बहुत मस्त बेच चुका, क्योंकि इससे बॉडी किट वगैरह सब लगा चुके हैं। ये डायरेक्ट मैं 41,000 पे मेरी होनी चाहिए, मेरी ए यस 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 यस, ये गाड़ी अपनी हो चुकी है। तो अपने ना दो गाड़ी खरीद ली हमने, तो शहर में अपना बहुत ही भोकाल मच रहा है, क्योंकि दो गाड़ी हमने खुद खरीदी, ये और दो भी मैं ही खरीदूंगा। देखो हाईएस्ट बिट लगाता हूँ मैं, वो लगा दिए लोग, मैं हाईएस्ट बिट लगाता हूँ फिर से, मैं फिर से हाईएस्ट बिट लगाता हूँ, देखते हैं कौन लेगा गाड़ी, कोई नहीं लेगा। अबे यार 12,000 ले रहे हैं, चलो मैं फिर से हाईएस्ट बिट लगाता हूँ, अब नहीं लेगा कोई नहीं लेगा। अबे ये कौन सी गाड़ी थी, ये ऑडी S4 है ना, इतनी इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी मार्केट में ऑडी S4 की, लगाओ क्योंकि ये बहुत कम चलेगा, इसलिए 14,000 पे 15,000 पे मैं मेरी हो चुकी है, ये भी अपनी हो चुकी है गाइस। चलो मस्त चार गाड़ियाँ हम खरीदेंगे पूरा, थोड़ा खुशाक हो गई शायद,
हाँ स्कोडा खुशाकी लग रही है, मैं ये खरीदूंगा, अपनी गाड़ी है खरीदेंगे हम, मैं ही खरीदूंगा पूरे चार गाड़ी, आप खुद खरीदेंगे, मैं चार गाड़ी खरीदूंगा, मैं हाईएस्ट बिडी लगाता हूँ। अरे मेरे पैसे बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं गाइस, बहुत बहुत लॉस हो रहा हूँ मैं, बहुत लॉस हो रहा हूँ मैं। ओह आई ब्रॉट ऑल द 10 कार्स, 10 कार्स अपने खुद के, मतलब चार कार। अभी हम चलते हैं, आज ना क्या करेंगे हम, आज पूरा मतलब मस्त से आज हम पूरा गाड़ी लगाएंगे उधर। ठीक है रुको मैं इन गाड़ियों को भेजता हूँ उधर, दो अपने चार गाड़ियाँ। वी ब्रॉट ऑल द 4 कार्स फ्रॉम कार एक्शन। एक थंबनेल के लिए फोटो लेता हूँ मैं, रुको। ओहो चार गाड़ियाँ हमने खड़ी कर दी, मतलब बस मैं वो गाड़ी भी खरीद, वो गाड़ी भी खड़ा करके मैं फोटो लेता हूँ एक थंबनेल के लिए मस्त से। यार पाँचों गाड़ी हमने खरीदी, मैं ना इधर से एक थंबनेल की फोटो लेता हूँ मस्त से, आ गई। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ये गाड़ियों को ना जल्दी से हम लगाते हैं उधर। सो गाइस हमें गाड़ी खड़ाते खड़ाते ना पूरी रात हो चुकी है, बहुत ही मेहनती काम लग रहा है आज मुझे, बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद के ना मतलब हालत ही ख़राब हो रही है सीरियसली। आई नो आज तो हमें बहुत लॉस हुआ होगा क्योंकि हमने सारे चार गाड़ियाँ खरीदी हैं, मतलब पूरी अपनी, मतलब देखो पूरे 2,76,000 अपने चले गए गाइस, इतना भारी लॉस आज तक कोई गेम में किया नहीं होगा या किए होंगे मुझे नहीं पता। तो एक नई सुबह, नई दिन, नई शुरुआत, मार्केट इज़ ओपन, मुझे मार्केट नहीं जाना आज क्योंकि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं। मैं अगर हो सके तो मैं एक नेबरहुड ऑफिस देख के आता हूँ, मतलब नेबरहुड जाके देख के आता हूँ। तो ऑफिस इज ओपन, यू हैव स्किल पॉइंट, तो देखते हैं मेरे क्या स्किल पॉइंट है। देखो मैंने सारे स्किल पॉइंट्स अनलॉक कर दिए, ये पता नहीं क्या है ये। यू कैन रिपेयर योर कार फॉर लोअर प्राइस, ठीक है। यू कैन वॉश योर कार फॉर लोअर प्राइस, ठीक है छोड़ो उसका मैं बाद में देखता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, तो ये रही अपनी ऑफिस, मतलब समझ रहे हो पूरे अपने ऑफिस के पास इतने सारे गाड़ियाँ 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 पूरे सारे गाड़ियाँ। इसको मैं थोड़ा आगे डालता हूँ, देखो अभी एक ना एक स्नैप ले लेता हूँ मैं, रुक जाओ, मतलब थंबनेल के लिए फोटो चाहिए। देखो अभी हम क्या करेंगे, गाड़ियों को सेल करेंगे सारी, ये मैं नहीं चाहता कि ये सब गाड़ियाँ ऐसे पड़ी हो। मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ क्या इधर ही, यार मुझे रिपेयर करना चाहिए था यार इसको, क्या है मतलब ये नहीं कर सकता मैं। क्लीन होगी क्या, काफी गंदी लग रही है राइट, कि ये छोड़ो ये इतना बहुत सारा काम लगा, मैं इसमें ऐसे करता हूँ सोना टाका। चलो हमने सारे गाड़ियों को पार्क कर दिया, धो दिया, अभी मैं क्या करता हूँ सारे गाड़ियों को सेल पे लगाते हैं, सारे गाड़ियाँ लगाते हैं, मतलब अपनी पोर्शे एक छोड़ के। अरे हाँ यार अपनी पोर्शे कहाँ गई, अबे यार मैंने पोर्शे को कल रात वहीं पे छोड़ के गया था मैं, अबे अपने पास तो बहुत अभी 2-3 गाड़ियाँ हैं गाइस, मैं भूल ही गया, मुझे समझ नहीं आ रहा अपने पास कौन सी गाड़ी, मैं यार सारे गाड़ियाँ भेज देता हूँ, रुको सारे गाड़ियाँ भेज देता हूँ मैं, ये कार को टो करके उधर छोड़ देंगे फिर हम इसको चला के चलेंगे ना। आपने देखा था पिछली एक हम वीडियो में मस्टैंग अपनी थी जो रेड कलर की थी, वो काफ़ी अमेजिंग से प्रॉफिट बना के देखी, दिस इज अ क्रेज ऑफ मस्टैंग यू नो, तो ज़्यादा डिफ्ट मारती है मस्टैंग, ज़्यादा डिफ्ट मारती है, काफ़ी अच्छा लगता है। ऑलराइट तो अभी हम इनको ना सेल पे लगाएंगे, अब एक बार और लुक देख लो गाड़ियों का, कितने सारे गाड़ियां हमने खड़ा कर दी इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 गाड़ियां हैं आपके पास, इसमें 12 गाड़ियां तो कंफर्म सेल पे जाएंगी। मैं पूरे 13 गाड़ियां सेल कर दूंगी आज, पूरे 13 गाड़ियां सेल कर देते हैं, देखते हैं अपने पास कितना प्रॉफिट आएगा। आज हम हिस्ट्री बनाएंगे पूरे गेम में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने का, बैठेंगे हम काम पे थोड़ा, चलते हैं हम सारे गाड़ियां सेल पे डालेंगे। होल्ड तो पहले हम लगाएंगे कुशाक खेड़ा, 29 पे लेके आया था मैं, 30,000 पे लगाता हूँ। अरे नहीं 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 गाइस, क्या 1,000 रुपये में गाड़ी बेच दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, 1,000 में 2,000 देता हूँ मैं इसको, लगाता हूँ 39,000 पे, 10,000 तो मंगता नहीं, 40,000 पे बेचता हूँ मैं, 40,000 पे बेचते हैं। चलो एक गाड़ी तो गई, ऑडी S4 हम बेचते हैं 15,000 की, हम लेके आए थे 14,500 की, मैं इसको बेचता हूँ कुछ 20,000 पे बेच देते हैं। चलो हम ना प्राइस ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारे मेहनत कर दिया है, सम फॉर्ड मस्टैंग तो मैं 55,000 से नीचे नहीं बेचने वाला हूँ, फॉर्ड मस्टैंग है। फिर मैं देखता हूँ शेवरलेट एस, 71,000 पे ली थी हमने शेवरलेट एस वाली, जो वो कार थी वो हमने ज़्यादा पे ली थी, हाँ वो कार हमने ज़्यादा पे ली थी, तो इसको मैं बेचता हूँ कुछ 85,000 पे, 71 में ली थी हम, 85,000 पे पूरी डाउन सेल। फिर हम रखेंगे ये हैचबैक जो पुरानी वाली थी हमने 15,000 पे, मैं इसको 18,000 पे बेचता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर इसको हम 20,000 पे रखते हैं।
20,000 पे रखते हैं फिर, ठीक है डन। फिर ये सैंटाफी है, ओ सैंटाफी का बहुत सारा चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसको ना रखता हूँ 35,000। हर एक कार पे ना हम 10-10,000 रख के बेचेंगे। ENG5 ये कार भी हमने ली थी 60,000 पे, मैं इसको ना 80,000 रख के बेचता हूँ, 80,000 रखते हैं, बिक जानी चाहिए। आज सारे गाड़ी ना बेच के ही घर जाएंगे हम। डॉट चैलेंजर देखते हैं, डॉट चैलेंजर हमने ली थी 20,000 पे, फिर हमने उसने ऊपर इतना खर्च किया, मैं क्या करता हूँ इसको ना 29,000 पे बेचते हैं इसको, ठीक है डन। ये बची कुछ गाड़ियाँ हम बाद में बेचेंगे, फिलहाल बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए हैं, पहले इनसे तो निपट लूँ, ठीक है। आंटी कितने में दे रहे हो? मैंने 20,000 डाला है। उसको खुश आपको मैंने 20,000 ही डाला क्या? मैंने कितने में खरीदा था ये? अच्छा ऑडी एस4 पूछ रही है, थोड़ी देर नहीं इतने कम में नहीं सेल करूँगा। ये देखो गाड़ी में घुस ही गए हैं ये गाड़ियों में घुस ही गए हैं ये। थोड़ा कुछ 40,000, आई विल बॉदरिंग ए मिनट, आई विल टेक दैट प्राइस वर्क फॉर मी, ठीक है लेके जाओ। एक गाड़ी तो बिकी, चलो ले लो ना अंकल, ये भी ले लो ना, बाजू खड़ी है एक गाड़ी ले लो ना, आप क्यों क्यों जा रहे हो? हाँ ठीक है, एक बिजनेस मैन आया ये गाड़ी खरीदने, सैंटाफी खरीदने के लिए आया है ये। अच्छा ये पुरानी वाली गाड़ी खरीदेगा? अरे जल्दी कहीं पे खड़े रुक के तू गाड़ी गाड़ी देखना भाई, देख लेना गाड़ी, देख लिया ना अभी ले लो, जल्दी ले ले, जल्दी ले ले, मुझे पता है बहुत सारा डैमेज है इसमें 35। हाँ हाँ ठीक है, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, बहुत जल्दी गाड़ियाँ बिकती हैं गाइस। मैंने मैंने नोटिस किया ना, जब भी आपके पास ना बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हो और आपके पास ना बार्गेनिंग स्किल्स भी अच्छे हो तो बहुत सारे गाड़ियाँ बिकती हैं। मैं ना इसको भी लगा देता हूँ, 34 पे मैंने लिया था, ये 44 पे लगाता हूँ, 10-10,000 रख के भेज देते हैं सारी गाड़ियाँ। ये पोर्शे 911 में 1,80,000 मिली थी, मैंने इसको 2,30,000 पर लगाता हूँ। अगर इसमें इतने में गाड़ी बिक गई ना तो मज़ा ही आ जाएगा, कि मैं उस पर बहुत 50,000 का मैं लगाया हूँ। 60,000 ना मैंने इसको 80,000 पर लगाता हूँ, 80,000 नहीं लगाया ना मैंने कहीं पर, 80,000 लगाया था। और ETT मैं इसको क्या करता हूँ, 28 में 447 लिया था, मैंने इसको 40,000 लगाता हूँ, और ETT मस्त गिफ्ट मार रही है। अच्छा मैं इधर कार भी देख सकता हूँ मैं, कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा। हाँ मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया। लैम्बोर्गिनी कॉन्टैक्ट मैं इसको रखता हूँ 5,000, 5,06,000 लिया था, मैं इसको बेचता हूँ 7 लाख पे बेच सकता हूँ मैं, 7 लाख पे बेच देता हूँ मैं, बिक जानी चाहिए। 8 लाख भी बेच सकता हूँ मैं, 8 लाख बेचता हूँ, हाई प्राइस हो जाएगी ना, 8 लाख तक बेचते हैं गाइस। चलो अपने पास तो बहुत सारे कस्टमर्स आ चुके हैं, हर एक गाड़ी के पास कस्टमर्स हैं। मैं इसको पूछता हूँ आंटी कितने में लेगी फॉर मस्टैंग? 55,000 मैंने डाला है। हाँ आप कितने में लोगे? वेट ए मिनट, पूरा लेके जाओ 49,000। नहीं आंटी सेल नहीं करना वाला इतने कम में, आप जा सकते हो। हाँ अंकल बोलो 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 कि कितने में? 20,000 में ना, और इसको तुम 17,000 ले रहे हो, कोई बात नहीं, मैं 15,000 पे ले गया था, आप लेके जाओ गाड़ी, बिकनी चाहिए जल्दी जल्दी। बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे पास, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर सारे। मैं एक बार ना बाहर जाके ना एक स्नैप ले लेता हूँ, क्योंकि थंबनेल वाले में मस्त रहेगा। ओ, ठीक है, मैं 2 लाख के पे बेच रहा हूँ, अगर 2 लाख के ऊपर ले रही तो ले। मान 20 प्राइस पे भेज देता हूँ मैं, भेज देता हूँ भेज देता हूँ, जल्दी जल्दी बिकनी चाहिए गाड़ियाँ, जल्दी बिकनी चाहिए, फिर हम बहुत सारी गाड़ी लेके आएंगे, फिर हम बेचेंगे, मतलब अपना बिजनेस तो मस्त सेट हो चुका है गाइस। 35 नो, 5,000 रुपये कम में मैं नहीं बेचने वाला। 80,000, हाँ प्राइस बॉर्डरिंग 63, नहीं बहुत कम हो जाएगा 63 63, नहीं, कौन सी गाड़ी लेके रहे हो? हैचबैक, हाँ ठीक है, ये कम में ही डाला था मैं, 14-15,000, 15,000 पे लेके आया था मैं, 18,000 ना, ठीक है लेके जाओ मस्त, तो प्रॉफिट डाल डाल दिए। हाँ इस क्लास मैंने 44 पे लेके आई थी, जल्दी पूछो जल्दी पूछो जल्दी पूछो, तो सरप्राइज ओके एल बाय फॉर इट, ओके लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। मैं नेक्स्ट टाइम से ना प्राइस एनालिसिस करके हाई प्राइस पे बेचेंगे हम सारी गाड़ियां, हम महंगी गाड़ियां लेके आएंगे हाई प्राइस पे बेचेंगे। आई वो सारे लोग गाड़ी ले रहे हैं यार, मतलब समझ नहीं आ रहा इतने सारे मैंने कैसे डाल दिए। तुम लोग कौन सी गाड़ी देख रहे हो भाई? इधर पीछे खड़े होके दोनों दोनों कोने में खड़े होके कौन सी गाड़ी देख रहे हो तुम लोग? वर्क्स फॉर मी, 80,000 पे बिक रही है गाड़ी है, मैंने प्राइस बहुत कम डाल दिया क्या? नहीं मतलब सीरियसली मैंने प्राइस कम डाला था क्या? समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो अपने पास ना बहुत सारे पैसे आ चुके हैं। मैं देखो हम गेम शुरू करते थे 11 1 लाख, मतलब कितने थे भाई, 11,16,000 रुपये, अभी हमारे पास है 14,16,000 रुपये, 4 लाख का तो प्रॉफिट हो चुका है मस्त अभी। अभी मैं इन गाड़ियों को ना कस्टमर ही ऑफिस को ना कस्टमर रखा है, कोई नहीं दिख रहा, कोई तो है क्या? नहीं कोई नहीं है, अभी हम चलते हैं सोने के लिए। आज हमारे पास ना मस्त सा प्रॉफिट हो चुका है, चल हम लोग 2-2.5 लाख आज गाइस। हमने बहुत सारे गाड़ियाँ बेची है गाइस, आपने देखा था बहुत सारे गाड़ियाँ बेची है आज हम,
कुछ समय अराउंड 18 गाड़ियां थे अपने पास, तो पूरे ऑलमोस्ट बिक चुके हैं अभी, कुछ 5-6 गाड़ियां बची हैं उधर, वो भी हम कल सुबह जाके बेच देंगे। फिर हम लेंगे कुछ यूनिक कार्स जो 5-10 लाख के, तो उनको लेंगे फिर उनको बेचेंगे। हाँ मस्त प्रॉफिट है आज हमारे पास, 5,50,000 का प्रॉफिट मस्त हो चुका है, काफी अमेजिंग सा प्रॉफिट है वो। तो ऑल राइट, तो बाकी कुछ गाड़ियां हम आज बेच देंगे, फिर मैं कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ वहाँ पे, उस जगह पे। आप मुझे कमेंट करके बता दी हो, वन पेड बिल्स इतने सारे कौन से बिल्स पड़े हैं, हाँ शायद मैंने पार्किंग के नहीं बने थे। ओहो गाइस बिल देख रहे हो कार्स के, मतलब इतना सारा पैसा ये लोग ले ही लेंगे, तो मैं कमाऊंगा क्या इधर पे। ठीक है चलो पे कर देता हूँ अभी, ऑफिस के पास कोई झंझट नहीं चाहिए मुझे। चलो एक तो आंटी आ गई कोई गाड़ी लेने के लिए। आंटी कौन सी गाड़ी देख रहे हो आप, बूढ़ी माँ जल्दी ले लो। अच्छा आपको ऑडी टीटी चाहिए, हम दे देंगे, बहुत ही मस्ती है ऑडी टीटी, फ्यूल भी मस्त है, डर्टी लेवल तो ज़्यादा है इसमें। हाँ आई विल बाय फॉर द सेम प्राइस, मैं तो दे देता हूँ। आज हम चलेंगे मस्ती, कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं यार आज हमारे पास। हाँ भाई जल्दी बता, देखना NG5 गाड़ी है ये, काफ़ी मस्ती गाड़ी है, 67 बोल रहा है ना। नहीं गाइस इतने में कम में नहीं दूंगा मैं, क्योंकि गाड़ी अच्छी है, मैं इसको ना थोड़ा सा वॉश कर देता हूँ। दर्ट लेवल इसी कम होनी चाहिए। हाँ भाई बताओ हिसाब, अभी तो दर्ट लेवल बेस 13% ही दर्ट है, आप तो मुझे एक अच्छा रेट दे दो 57। वो तो 67 बोल के गया था भाई, तू 57 पूछ रहा है, क्या मजाक लगा के रखा है क्या। मेरी लैम्बोर्गिनी कोई क्यों नहीं रहा है भाई, मैंने 8 लाख प्राइस ज़्यादा डाल दिया क्या, 8 लाख नहीं बिकेगी क्या, 56 नहीं लगवा, नहीं तू जा भाई। मैं लैम्बोर्गिनी को थोड़ा सा वॉश करके आता हूँ, क्योंकि लैम्बोर्गिनी कोई बिकी नहीं रही अभी तक। हाँ भाई तुम लोग को क्या चाहिए, ये तो इन भाई साहब से खरीदी थी मैंने गाड़ी है, 29 24। नो बडी, मुझे पता है अच्छे प्राइस पर बिकेगी वो, 29। हाँ ओ देखो ये बोलते हैं सेलर, देखो आया पूछा लेके चला गया वो, ऐसे रहते हैं ना। वो 24 पूछ रहा था, क्या 24 साले, 24 तो मैं अपने हाथ से दूंगा या नहीं दूंगा मैं। चलो मेरे पास बस 3 ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये तो 8 लाख की गाड़ी थी मैंने डाला था, और इसको मैं थोड़ा सा अपना प्राइस थोड़ा कम रखता हूँ, क्योंकि इतने महंगे कस्टमर्स अपने हैं नहीं अभी तक। मैं इसको ना रिमूव फ्रॉम सेल करते हैं, कोई याद है क्या, एक नहीं शायद अभी रखता हूँ 7,50,000 पर रखते हैं, बिकनी चाहिए अभी, अभी बिक जाएगी है, आई एम श्योर अभी बिक जाएगी है, क्योंकि लोग आएंगे खरीद लेंगे। ठीक है आज हमारे पास ना मार्केट भी खुला नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ एक नेबरहुड होके आते हैं, गाड़ी लेके जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा ड्राइविंग वाइविंग में। तो ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं नेबरहुड में, हम कुछ गाड़ियाँ, कस्टमर आया ऑफिस में, जाके कस्टमर को देखता हूँ पहले। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अपने पास ना एक बंदा होना चाहिए ऑफिस के पास, एक ऑफिस संभालने के लिए बंदा चाहिए मुझे, कोई है तो मुझे बता दो गाइस, अपने ऑफिस संभालने के लिए बंदा हो। लैम्बोर्गिनी देखने चल रहे हैं लोग, मैं लैम्बोर्गिनी बेचता हूँ पहले, 7.5 लाख पे मैंने डाली थी, अगर ये 7.5 लाख पे बिक गई तो मस्त सब प्रॉफिट हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। मेरे मुंह में गाली आ रही थी, पूरी कार में लेके हम 5,80,000 रुपये, पूछे मुझे 4,20,000 रुपये का मजाक है क्या। 50 के ऊपर अगर कोई दे देगा तो दे दूंगा मैं, क्योंकि मैंने खुद प्राइस इसको ज़्यादा 47 दे रहा है, प्राइस इज बिग नेगोशिएबल, नहीं बेचना होगा, 47 पे ना बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा गाइस, दिस इज गैरेज क्वीन बेली ड्राइविंग्स। ठीक है बेच देते हैं 57 पे, मुझे शायद उसमें थोड़ा सा लॉस हो लगता है मुझे, नहीं बेचना चाहिए था ना, 7.5 लाख की है साहब, फ्रेंडली बजट है, 5,80,000 आप दे रहे हो, नहीं मैं खुद उतने पे लाया था मैं, अरे लैम्बोर्गिनी बिकी नहीं तो मैं इसको रिपेंट करके बेचता हूँ, मतलब ऐसा नहीं बेचूंगा इसको, रिपेंट करके बेचता हूँ, 6,80,000 दिए, ये अच्छा डील था, ये अच्छा डील था। मैं रुक जा तुझे ना बाद में बात करता हूँ, तू कितने पे दे रहा है, अगर 7 लाख में मान जाएगी तो दे दूंगा मैं उसको, 7,50,000 ब्यूटिंग द प्राइस, 6,80,000 ठीक है, वो कितने में बोल रही थी, 6,80,000, हाँ बार्गिंग करके मैं उसको 7 को पूछता हूँ, 7,20
सो गाइस अपनी सारी गाड़ियां बिक चुकी है, मतलब पूरा ऑफिस खाली खाली सा लग रहा है। थोड़ी देर पहले पूरा ऑफिस भरा हुआ था, अभी पूरा ऑफिस खाली लग रहा है। आई नो अभी हम ना ऑफिस को थोड़ा रेनोवेट करते हैं, अपने पास बहुत टाइम बचा है, अभी ना हम ऑफिस को थोड़ा रेनोवेट करते हैं, थोड़ा सा हम ना ऑफिस को रेनोवेट डेकोरेशन बढ़ाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अपना डेस्कटॉप देखते हैं, डेस्कटॉप साइन इन कॉर्पल सेट आउटर डिज़ाइन, आउटर डिज़ाइन वॉल्स को ना हम काला कर दें, वुडन नहीं ये ओ ए ओ ये इसमें कौन सा रखें, ये नहीं पूरा कॉन्क्रीट लग रहा है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये रख देता हूँ ब्लू में, नहीं ये छोड़ो, फिर हम नीचे वाला देखते हैं डिज़ाइन, ये अच्छा लग रहा ना, ये मैं बाय कर देता हूँ, कुछ कॉन्क्रीट वॉन्क्रीट मस्त लग रहा। मैं ये दीवारों को भी ना ये कलर में बाय कर देता हूँ, इसका अपोजिट कलर था, हाँ ये ठीक रहेगा, ये बाय कर देते हैं। फिर ये जो फेंजेस हैं इसको हम क्या करेंगे, स्टील के लगा दें या घास के लगा दें। देखो पहले वाले जो थे वो वुडन हैं, फिर हम क्या करेंगे स्टील वाले लगा सकते हैं, फिर घास फूस के लगा सकते हैं, स्टील वाला लगाते हैं थोड़ा सा लगना चाहिए, फिर मैं घास भी लगा दूँ तो पूछे भी ग्रीनरी सामने भी ग्रीन, थोड़ा सा स्टील वाला लगाते हैं फिलहाल, बाद में देखते हैं हम, बाद में उसका देखेंगे। फिर साइन बोर्ड तो कुछ नहीं कर सकते साइन बोर्ड में, आप मुझे बता देना कलर हम क्या करें साइन बोर्ड का, आउटर डिज़ाइन ठीक है, इनर डिज़ाइन में मैं ये दीवारों का कलर चेंज कर सकता हूँ, और ये मस्त लग रहा ना पिंक कलर में, ये नॉन ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हाँ ये भी ठीक रख रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है रियल वाले होम्स में, ये अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा दिख रहा है। फिर फ्लोर हम इसका चेंज कर सकते हैं, ये नहीं, ये लग रहा है यार थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। फिर ये देखते हैं, ये भी रेड 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 पूरा रेड इंटीरियर हो जाएगा घर में, फिर मैं ना यही डाल देता हूँ रेड रेड, उसके साथ ना ये मैच करेगा, ब्लेंड करेगा ठीक है। फिर मार्केट, ओह अच्छा ये हम ये भी कर सकते हैं क्या, इधर रेड मैट, ओह अच्छा इधर एक हम डाल सकते हैं, ये खरीद लेता हूँ मैं, रेड मैट भी खरीद लेता हूँ, फिर मैं ये भी खरीद लेता हूँ, फिर मैं ये भी डाल देता हूँ। फिर अपना कंटेनर देखो, कंटेनर में हम ये क्या कर सकते हैं, तो ये बेड पर ला सकते हैं, मैं अच्छा वाला बेड लेता हूँ। फिर मैंने हाउस लिया था, मैं आपको बता था राइट, हाउस ये रहा अपना बेडरूम, ये रहा अपना आउटर डिज़ाइन, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस मैं कर सकता हूँ, ये मैं इनर डिज़ाइन, बट मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस मैं होम में जाके क्यों नहीं रुक सकता, मतलब हमेशा मैं कंटेनर पे जाके क्या कर सकता हूँ। देखो मैं सोफे वगैरह सभी ये भी चेंज कर सकता हूँ, ये डालता हूँ मैं, मस्त लग रहा है। अरे अपने पास ना बहुत पैसे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे पैसे खर्च करते ऐसे ही, मैं ये नहीं सब नहीं करने वाला हूँ, पहले मैं जाके अपना जो होगा वही देखते हैं, पहले ना हम डेकोरेशन में चलते हैं, फिर अपना कंटेनर को थोड़ा सा रिनोवेट करते हैं, आउटर डिज़ाइन में ये कंटेनर डाल देंगे, ये डाल देंगे कंटेनर। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही गाइस, मैं कंटेनर में क्यों रुक रहा हूँ, जब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी मैं कंटेनर में क्यों रुक रहा हूँ, उसका मुझे कोई कमेंट करके बता दो गाइस, समझ नहीं आ रहा मुझे कंटेनर पे ही क्यों रुक रहा हूँ मैं। चलो अपने कंटेनर मैंने ठीक कर दिया, फिर मैं चलता हूँ अभी घर जाके सोने के लिए, क्योंकि अपना ऑफिस आप देख लो, काफ़ी मस्त सा लग रहा है, हमने एक हम्प डाल दिया इधर क्योंकि गाड़ी एकदम आके हम ना ठोक ना जाए। ओ गाइस क्या मस्त लग रहा है अपना ऑफिस राइट, हम चलते हैं घर, घर जाके सोते हैं आज थोड़ा मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, क्योंकि अपनी गैरेज पूरी खाली खाली पड़ी है, तो देखने अभी हम कल चलते हैं कुछ सेलिंग, मतलब बाय करने के लिए कल चलेंगे, हम कल ही जाके बाय करेंगे, आज तो कुछ भी नहीं है ना, जाके सोते हैं। तो ऑलराइट गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो आपने देखा था आपने कैसे बहुत सारे गाड़ी हमने खरीदी और बहुत सारे गाड़ी हम बेच दी और काफ़ी मस्त सा प्रॉफिट बनाया अपना आज, तो बने रहे वीडियो में। हम कल क्या करेंगे, बहुत सारे महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, जैसे कि यूनिक कार्स जो आते हैं वही हम खरीदेंगे कल, काफ़ी अपना प्रॉफिट देखो गाइस 864,000 का प्रॉफिट, मतलब अमेजिंग प्रॉफिट है सीरियसली, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते जितना मैंने प्रॉफिट कमाया आज, मतलब मस्त से है ना। तो ऑलराइट देन बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, देन गुड बाय।